देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं गोरखपुर के पुलिस लाइन में एसएसपी ने झंडारोहण किया। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को एसएसपी के द्वारा कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से लेकर सिपाही स्तर के पुलिसकर्मी को आज एसएसपी ने मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि यह उनके लिए आज गौरव का विषय है कि 30 पुलिसकर्मियों को भारत सरकार द्वारा स्थापित अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है। इसमें स्थानीय पुलिसकर्मियों और डायल 100 के कुछ लोगों को मुख्यालय के द्वारा नामित कर पुरस्कार दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को इस अवसर पर पदक दिया गया है और इससे यह परंपरा आगे बढ़ती है कि लोग और उत्साह से काम करते हैं। एसएसपी ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे पुलिस सिस्टम की विवेचना कर अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। एसएसपी ने कहा कि गोरखपुर पुलिस की तरफ से अपने जवानों को यह आश्वस्त किया है कि वह सभी तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा क्षमा मे राधे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत जय 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 हे संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा और वर्ग भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री हरकिशोर राम, दीपेंद्र सिंह मल, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस अरुण कुमार सिंह, डायल 100 के जिन कर्मचारियों को एडीजी ट्रांजिशन महोदय द्वारा प्रशस्ति प्रमाण आरक्षी व्यास दे आरक्षी सुबेदार कुशवाहा, होमगार्ड चालक जय प्रकाश विशाल, अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह,
उप निरीक्षक श्री अक्षय कुमार मिश्र, उप निरीक्षक श्री किशोरी लाल, आरक्षी दीपक यादव, आरक्षी अमित राय, आरक्षी अमरजीत, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए प्रभव कुमार, उप निरीक्षक श्री धीरेन्द्र, आरक्षी नवीन मिश्रा, गणेश शंकर पांडे, निरीक्षक श्री सादिक पले, श्री गोपाल प्रसाद, नजदीक थोड़ा बहुत दूर, कामेश्वर दुबे, आरक्षी मोहसिन खान, आरक्षी कुतुबुद्दीन, आरक्षी शिव कुमार राय, कंप्यूटर द्वारा नव सृजित उत्कृष्ट सेवा पदक एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक गोरखपुर के 30 पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया है। मैं उनका नाम पढ़ूंगा क्योंकि ये अभी पदक मुख्यालय से आने हैं या आपने मुख्यालय जाकर के लेने हैं, लेकिन ये बहुत ही गौरव की बात है कि गोरखपुर पुलिस के 30 पुलिसकर्मियों को ये पदक प्राप्त हो गया है, जिसकी सूचना मुख्यालय स्तर से हमें आधिकारिक रूप से आ गई है, जिसकी मैं आज आधिकारिक घोषणा करता हूँ। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस नागेंद्र सिंह आरडी सेल के अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सुभाष शंकर प्रधान पुलिस लाइन अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल श्री प्रकाश द्विवेदी प्रधान लिखित अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस इंद्रजीत सिंह रिट शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस मिश्री लाल मानवाधिकार सेल अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस राम नजीब गोपनीय कार्यालय अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस काशीनाथ सिंह अति उत्कृष्ट सेवा पदक, एचओ राकेश कुमार रेडियो शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस हरकृष्ण राम डायल 100 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस जयसराम पांडे डायल 100 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस गजराज यादव पुलिस लाइंस अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस अनिल कुमार सिंह गोरखनाथ अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस पशुपति सिंह पीपीगंज अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस छोटेलाल अपराध शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस अवधेश कुमार पुरावार अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस अवधेश कुमार खोरा, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस लाल बचन सिंह यादव हरपुर बुदर अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस राम लोड अपराध शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस रामदास सिंह यादव ये अभी जनपद सरस्वती चले गए हैं अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस विकंद सिंह मल अपराध शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस विकंद सिंह मल अपराध शाखा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक अमरेंद्र सिंह पुलिस लाइन्स अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक उदय प्रताप सिंह पुलिस लाइन अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक गौरीशंकर यादव पुलिस लाइन अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक चंद्रभान तिवारी पुलिस लाइन्स अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल देवकी प्रसाद पुलिस लाइन्स अति उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक श्रीनिवास तिवारी पुलिस लाइन अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उप निरीक्षक चंद्रभूषण सिंह प्रधान लिखित उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस अरुण कुमार सिंह कैन उत्कृष्ट सेवा पदक, हेड कांस्टेबल महिला सुनीता त्रिपाठी शिकायत प्रकोष्ठ उत्कृष्ट सेवा पदक,
हेड कांस्टेबल चालक पूर्ण देव पुलिस लाइन उत्तर सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक रामेश्वर यादव पुलिस लाइन उत्तर सेवा पदक, हेड कांस्टेबल चालक रामाशीष पुलिस लाइन उत्तर सेवा पदक। मैं सभी 30 पुलिस कर्मियों को आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमें आज इस स्वतंत्रता को देने वाले वीर शहीदों, वीर बलिदान करने वालों, उन नागरिकों की जिनकी आज कोई गाथा नहीं जानता है, उन देशभक्त लोगों की याद रखनी चाहिए जिनकी वजह से हमें आज ये स्वतंत्रता मिली है, इसका दुरुपयोग ना हो। ये जिम्मेदारी खास तौर से कार्यकारी पुलिस की होती है और हम सब उसके अभिन्न अंग हैं। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को बनाए रखना, इसे अक्षुण्ण रखना और इसे निरंतर आगे भविष्य में भी गुणवत्ता पूर्वक इसको बनाए रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आज मैं गोरखपुर पुलिस की तरफ से, आप सब की तरफ से ये आश्वासन चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस स्वतंत्रता का सम्मान रखेंगे, नागरिकों में बिल्कुल भी भय अथवा अपराध के प्रति डर का खात्मा कर देंगे। जो भी इस तरह के कार्य करते हैं जिनसे हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की हनन होती है, समाज में या देश में किसी भी किसी की आंतरिक सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है, उससे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गोरखपुर पुलिस संविधान के बनाए हुए आदर्शों पर और इस स्वतंत्रता जो इतनी मुश्किल से हमें मिली है उसके मानकों पर लगातार खरा उतरेगी और लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा होगी कि गोरखपुर पुलिस हमेशा आगे से आगे बढ़ के जनता की सेवा और समाज को भयमुक्त बनाने में तन मन धन से कार्यरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संतरी खड़ा रहेगा, बाकी विसर्जन। जी, हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। आपने देखा गोरखपुर पुलिस का जो पुलिस लाइन है, यहाँ पर आज झंडारोहण का कार्यक्रम परंपरागत तरीके से किया गया और सभी लोग बहुत ही उत्साहित तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। बहुत ही सम्मान की बात है, हमारे 30 लोगों को भारत सरकार द्वारा स्थापित अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें भी दिया गया है। डायल 100 में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मुख्यालय द्वारा नामित करके दिया गया है। बहुत सारे लोगों को इस अवसर पर पदक दिया गया है और इससे ये आगे परंपरा बढ़ती है कि लोग और उत्साह से काम करते हैं। हमारे यहाँ 26 जनवरी और आज़ादी 15 अगस्त को हम लोग पूरे पुलिस सिस्टम की एक तरह से विवेचना करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह के पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो इस क्रम में आज यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिले हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से अपने जवानों को ये आश्वस्त किया है कि वो तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे।